हाय, मैं प्रियंका एंड यू वेलकम टू द टेरेस किचन। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी केक। ये है ऑरेंज फ्लेवर का, ये ड्राई केक है यानी हम इस पे क्रीम नहीं लगाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं बिना अवन इसे बनाने वाली हूँ, तो एक बड़ी कढ़ाई या फिर पैन या फिर प्रेशर कुकर में डालें नमक। एक स्टैंड रखे बर्तन वाला, मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट प्रीहीट करें। प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो गैस्केट और सीटी निकालें। फिर एक बोल में ले आधा कप ऑरेंज जूस, मैं पैक्ड वाला यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश ऑरेंज से जूस बना सकते हैं घर में और उसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छे खट्टे मीठे वाले ऑरेंज यूज़ करें, सिर्फ मीठे मीठे यूज़ ना करें। इसमें डालें 2 टेबलस्पून पिघला हुआ मक्खन। एकदम ठंडा जूस ना यूज़ करें, आपका बटर तुरंत सेट हो जाएगा। फिर डालें 3/4 कप पिसी हुई चीनी और 1/4 कप डेरी वाइटनर या मिल्क पाउडर, इससे बहुत अच्छा मिल्की टेस्ट आएगा। फिर डालें 1/4 कप तेल। आप मूंगफली का, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड यानी राई का तेल ना यूज़ करें। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको डेरी वाइटनर या मिल्क पाउडर नहीं यूज़ करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डालेंगे तो आपका केक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। फिर साथ में हम छानेंगे 1.5 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को आप छान लें। अगर आप इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना नहीं चाहते हैं तो इन्हें अलग से आप एक बोल में ले लें, एक विस्क या फिर फोक से मिक्स कर लें। पूरी तरह से मिक्स करें और फिर यूज़ करें। अब यहाँ पर मैं एक विस्क यूज़ कर रही हूँ। विस्क से गुठलियाँ बहुत जल्दी निकल जाती है, तो शुरुआत में आप थोड़ा सा तेज़ इसे घुमा सकते हैं, तब तक जब तक कि इसके लम्स ना निकल जाए। बस उसके बाद आप इसे फेंटे ना। साइड से बैटर को स्क्रेप करें और उसके बाद इस तरह से मिक्स कर लें। इस स्टेज पर आप इसमें ऑरेंज फूड कलर या फिर येलो फूड कलर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 6x4 स्क्वायर रेक्टेंगल केक टिन। आप चाहें तो राउंड 6 इंच का केक टिन यूज़ कर सकते हैं, 6 या 6.5। OTG के इंस्ट्रक्शंस मैंने स्क्रीन पर दिए हैं, पर मैं आज इसे अवन में नहीं बनाने वाली हूँ। मेरा पैन प्रीहीट हो चुका है। इसे मीडियम फ्लेम पर पहले 15 मिनट और लो फ्लेम पर 40-45 मिनट्स में बेक करूँगी। अगर आप बिना अवन के बेकिंग करते हैं तो केक जल्दी ड्राई नहीं होता, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी बेक कर सकते हैं। उससे भी जो ये ड्राई केक्स होते हैं, ड्राई केक मतलब मेरा यहाँ पर मतलब है बिना क्रीम वाले केक, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये पक गया है, इसे ढककर पूरी तरह से ठंडा होने देंगे 1-2 घंटे। उसके बाद हम बनाएंगे ग्लेज। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहें तो ग्लेज बनाएं या ना बनाएं। आइसिंग शुगर में डालें 1-2 टीस्पून पानी और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। पानी की जगह यहाँ पर आप ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हैं। जो केक हमने बनाया है उसमें अगर आपको और इंटेंस ऑरेंज का फ्लेवर चाहिए तो आप ऑरेंज एसेंस भी यूज़ करें, क्योंकि नेचुरल जूस से उतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आएगा, आप एसेंस यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में जो संतरे का छिलका होता है बाहर का, सफ़ेद का हिस्सा अंदर का छोड़कर जो बाहर का होता है, उसे भी आप ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा ग्लेज रेडी है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप घर की नॉर्मल चीनी को 1-2 बार एकदम पतली छन्नी से छाने और उसके बाद यूज़ करें, पर अगर आइसिंग शुगर है तो वही यूज़ करें। केक पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही उस पर ग्लेज लगाएं, वरना ये मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप ग्लेज लगाएंगे ये सेट होने लगेगा। सेट होने लगेगा मतलब ये सूखने लगेगा। तो एक बार आपने ग्लेज बनाया तो उसे तुरंत लगा लें और बाद बाद में फिनिशिंग ना करें, वरना वहाँ पर वो सूख चुका होगा। सेट होने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर ये संतरे के पीसेस रख सकते हैं। अगर आप संतरे के पीसेस या सेगमेंट्स रखना चाहते हैं तो बीज निकाल लें, साइड की स्किन निकाल लें, ताकि खाने में आसानी हो और टेस्ट अच्छा आए। अब स्लाइस करें। स्लाइस करते समय आपको पता चलेगा कि जो ऊपर की लेयर है ग्लेज की, वो ड्राई हो गई है, वो बहुत ही बढ़िया लगती है। पर हाँ, लेयर पतली रखें, वरना आपको बहुत ज़्यादा मिठास लगेगी। जो आप टेक्सचर देख रहे हैं, क्रम बहुत अच्छा आया है केक का, जबकि ये एगलेस केक है। और जो आपको ब्राउन स्पॉट्स दिख रहे हैं, वो अब डिपेंड करता है, आप चाहें तो थोड़ा सा कम बेक कर सकते हैं। मुझे इस तरह के ड्राई केक्स थोड़े से ज़्यादा बेक किए हुए ज़्यादा पसंद हैं। आप भी घर पर ये केक बनाएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एन्जॉय।